धार जिले में तिल्ला के ग्राम सियारी में सरपंच का चुनाव हारने के बाद प्रत्याशी और समर्थकों ने मिलकर जीते हुए सरपंच पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। इस हमले में तीर और पथराव के कारण कई लोग घायल हुए हैं। इस विवाद में हारे हुए सरपंच हिरका को तीर लगा है, जिसकी हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि हिरका समेत तीन लोग गंभीर घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है, जबकि धार जिले के जिला अस्पताल में दो लोगों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 जुलाई को हुए मतदान के बाद हुई मतगणना के परिणामों के कारण सियारी में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। फरियादी की रिपोर्ट पर तिल्ला पुलिस ने जीते हुए सरपंच कमरू पिता नानोराम, चितु पिता नगु, मेहताब पिता नगु, सोहन पिता सोरभान, अंतर सिंह पिता नानोराम, सुनील पिता अंतर सिंह, रेव सिंह पिता भीमा निवासी ग्राम सियारी के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 294, 323 व 307 भारतीय दंड विधान के तहत केस दर्ज किया है। इसमें हारे हुए सरपंच हिरका पिता शिवलिया को पेट में बाईं तरफ तीर लगा है, जिसका कारण हिरका की स्थिति गंभीर है। वहीं रेशम पिता शेरखा को सीधे हाथ में व रीसा पिता शेरखा भाबर निवासी ग्राम सियारी को भी मारपीट के कारण चोटें आई है, उन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया है। इधर घटना के बाद घायलों का इलाज जारी है। वहीं तिल्ला TI भागचंद तंवर पुलिस बल के साथ रविवार को सुबह 11:30 बजे ग्राम सियारी पहुंचे और मौका मुआयना किया। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों से बात की, साथ ही ग्रामीणों से भी चर्चा कर घटना की जानकारी ली जा रही है। वहीं घटना के बाद दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साविद खान FM की रिपोर्ट। ये झगड़ा हमारे मेरे पापा तो सरपंच मोटा था तो हार गया वो, और जीतने वाले आए मेरे पापा को तीर की दिया वो कमरों ने दिया, और मेरे को दिया चौहान ने दिया, और मेरे पापा को मैं बचाने के लिए ही इसलिए मेरे को दिया तो मेरे को भी लगा। मेरा पापा को इंदौर पहुँचाए। अरे मेरे को मेरा जा रहा था और मेरे को नानोराम बाबू ने मेरे को मतलब रास्ते जा रहा था और इसने मेरे को रास्ते घेरा था, बोले मेरे को इसने मैंने फिर मारा इसका लड़के कमरू सरपंच, मैं मार दूंगा मारण जो तुम्हारे ऐसा बोला कि तुम मार दो कमरू, और सिद्धू ने बोला कि हमको एक ग्रांड बोल रहा है आ भी जाओ थी आया था अपना हलमा करा मेरा ऊपर हलमा, और एक सुरपान सोहन वो बोला अभी तुमको जान सी मारेंगे, फिर इसके बाद में मेहताब ने सिद्धू मेहताब ने इन्हें बोला आ जाओ हमको एक लोग ने घेरा, हम रास्ता जा रहा था खाली आवाज मारा था तो मेरे को इतने घेर को मेरे को तीर मारा और जुआ जा दौड़ा और जवान सिंह तोड़ा और इसने मेरे को सत्रह घेर को मेरे को कबान तीर से मारा है रास्ते के ऊपर भीमा का दुकान के ऊपर। अभी वर्तमान में अपने पास फीमेल सर्जिकल वार्ड में एक रेशम हिरका 22 वर्ष की महिला भर्ती है, जिसे अपने दाहिने हाथ में चोट आई है और स्टेप होल्ड है और बाएं कंधे के उधर चोट आई है, जिसका उपचार जारी है और अभी एक्सरे हो चुका है और रिपोर्ट अभी आना बाकी है और रिपोर्ट देख कर उस हिसाब से उपचार चल रहा है। वर्तमान में महिला की स्थिति ठीक है। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।